मुंबई मीडिया हाउस। तो आज हम आए हैं खोपोली, खोपोली के राजपूत नर्सरी में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको उसका लोकेशन और सारा वीडियो पूरा जरूर बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम बात करते हैं उनकी ओनर से। तो ये है उनके ओनर। मैम आपका नाम? अबिदा राजपूत। मैम कब से आप ये नर्सरी चला रहे हो? मेरी नर्सरी को, ये वाली को तो अभी 8 महीने ही हुए हैं। अच्छा। तो हमने 1.5 साल पहले ऑनलाइन भी किया था, पूरे इंडिया में राजपूत नर्सरी के नाम से थोड़ा सा किए थे मतलब। और हमारे पेड़ भी अच्छे रहे थे सब जगह। और उससे पहले हम लोग ने खालापुर में किए थे, बड़ी नर्सरी थी, मेरी बेटी ने की थी। तो उधर अच्छा था, वो भी खूबसूरत था, लेकिन हमें थोड़ा दूर पड़ रहा था, इसके लिए हम लोग ने उसको बंद किया। जैसे कि मैडम ने स्टार्ट में हमें बताया था, यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड था। ओपन ग्राउंड में यहाँ पे जो आजू बाजू के बिल्डिंग्स है, घर है, वहाँ पे उन लोग डस्ट डालते थे, पूरा जो घर का कचरा होता था वो यहाँ पे डाला जाता था। उसके बाद मैडम ने ये जगह खरीद के यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा नर्सरी। अच्छा, ओके। ये रेंट पे है उनका ये जगह, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से इसको डेकोरेट किया है। अब देख के कोई बोल भी नहीं सक रहा कि पहले यहाँ पे कचरा हुआ करता था। मतलब हम खुद से हमने थोड़ा थोड़ा किया है उसको। मैम ने खुद ये पूरा नर्सरी डेकोरेट किया है। 7-8 महीने हुए हैं। अच्छा, 7-8 मंथ्स हो गया इस नर्सरी को। जैसे उन्होंने बताया पहले कहीं और था, उनको एक्सपीरियंस कब से है आपको इस नर्सरी का? मतलब इसका नर्सरी का तो मुझे शौक बहुत है, और इसके मतलब मेरे बचपन से ही मैं इनके बारे में जानती हूँ। हाँ, मैम ने अपना बचपन का शौक अब तक वो कंप्लीट कर रहे हैं, अभी भी नर्सरीज चला रहे हैं। तो मतलब देखिए कितना एक्सपीरियंस है उनको, वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रीज़ के बारे में पता। तो मैम कुछ अपने ट्रीज़ के बारे में बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, किस तरह के ट्रीज़ हैं आपके पास? जैसे आपके घर पे भी कुछ प्लांट है ना, तो जैसे हमारे यहाँ के पेड़ आप लेके जाते हो ना, तो हम उनके बारे में बताते हैं कि आप इनको कहाँ रखोगे, कैसा रखोगे इनको, और कौन सा पेड़ धूप का है, इंडोर है, छाँव का है, या फिर आपसे कैसे उसको केयर करना, वो सब मैं बताती हूँ। और दूसरा मैं पकड़ूँ, हाँ। जैसे मतलब आपके घर के खुद के भी पेड़ ख़राब हैं, तो मैं उनको भी बताती हूँ कि आप इनको कैसे सही कर सकते हो। आप वीडियो पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो। और हमारे यहाँ के पेड़ ज़्यादातर ख़राब नहीं हों, ये सब मैं बताती हूँ आपको। बाकी नर्सरी वाले आपके यहाँ से लेके जाओ और फिर उनको यूज़ करो, आप कैसा रखते हो वो कोई नहीं बताएंगा, लेकिन मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे पेड़ों से बहुत लगाव है। और बाकी अगर गार्डन का है, किसी की बालकनी डेकोरेशन करनी है, तो मैं सब करके देती हूँ। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब फिर अगर ज़्यादा दूर है तो आप खुद लेके जाइए, वीडियो बना के लाइए, और मैं उनको बताऊँगी कि आपको कैसा करनी है उसको। लॉन वगैरह है, कोकोपीट है, गोबर की खाद है, मिट्टी है। मिट्टी तो ज़्यादा नहीं यूज़ करते हम लोग, क्योंकि मिट्टी यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। कोकोपीट ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोकोपीट भी हमारा एकदम एक नंबर क्वालिटी का है, और उसको कैसा यूज़ करना है वो भी बताती हूँ मैं। और सब तरह का जो भी इंफॉर्मेशन है ना पेड़ों के बारे में, ज़्यादातर बता सकती हूँ। और ये है, ये मैंने छोटा छोटा लगाया था, लेकिन इसकी जो कोकोपीट में वगैरह में लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छा हमेशा फूल आते हैं। हमेशा तो बारिश में ही आते हैं बाकी जगह, लेकिन अपने पास इसको 12 महीने फूल रहते हैं। इसकी हम लोग जो खाद वगैरह डाली हुई है ना, उससे गोबर की खाद है वो सब, उससे 12 महीने फूल रहते हैं इसको। अपना डेट पाम है, नारियल है, कोई सा भी पेड़ रहने दो, वो हम लोग ऑर्डर पे ला के देते हैं सब। छोटी है, इसके लिए थोड़ा कम है, लेकिन छोटी जगह में वैरायटी बहुत है। और आपकी कोई भी डिमांड रहेगी ना, तो इंडोर में, आउटडोर में, वो सब हम ला के देते हैं। सभी तरह के फ्रूट मिल के पेड़ मिलते हैं अपने पास, सभी तरह के, चाहे वो पाम या जैसे ये कैलेंचो है, ये हम लोग नर्सरी से लेके आते हैं।
तो ये थोड़े दिन के बाद में ख़राब हो जाता है, फिर हम इसको कटिंग कर देते हैं। और ये जो मेरे पहले के हैं ये भी ऐसे ही आए थे, अभी उनको मैंने कटिंग किया था तो अभी ये एकदम मजबूत हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। तो मैं ये सब करके भी देती हूँ और बताती भी हूँ कि आपका पेड़ ख़राब नहीं हो। जैसे अभी ये पेंटास है, इसको हम लोग अगर ख़राब हो रहा है तो इसको कटिंग कर देते हैं तो ये फिर से नया आ जाता है ऐसा। और ये डेलिया है, डेलिया को फूल नहीं आते हैं तो हम लोग इसको छोटे पॉट में लाके बड़े पॉट में डालते हैं, फिर इसकी खुदाई वगैरह करते हैं तो इसको भी कटिंग करते रहते हैं ना, तो इसको भी फिर से फूल आ जाते हैं। ये मोगरा है इधर, इसको भी 12 महीने फूल आते हैं। छोटे छोटे पॉट हैं और पेड़ देखो कितने बड़े हैं ये, तो इसको मतलब हम लोग ने ऐसी खाद मिट्टी डाले हैं कि छोटे पे भी, छोटे पॉट में भी अच्छे फूल आते हैं इसको। हाँ, और ये मेलास्टोमा है, इसको 12 महीने फूल रहते हैं, थोड़ा धूप लगती है इसको। आउटडोर पेड़ कम है अभी, थोड़े दिन से और आने वाले हैं। और हमारे सभी पेड़ सब छोटे पॉट में हैं लेकिन बड़े हैं, ऐसा पॉट बड़ा है और पेड़ छोटा है वैसा नहीं है। ये कुंदा है, इसको हमेशा फूल रहते हैं और बहुत खुशबू रहती है इसको। और बाकी हैंगिंग सभी तरह की है मेरे। ये आप देख सकते हो डेकोरेशंस के लिए, जैसे कि कोई अपने बालकनीज में बहुत लोगों को ट्रीज़ बहुत पसंद होते हैं, दे हैंग द ट्रीज़ दे। आप देख सकते हो यहाँ पे वो उस तरह के भी प्लांट्स आपको मिल जाते हैं फॉर डेकोरेशन ऑन योर बालकनीज। ये मेरे पास फन है और ये जेब्रीना है, ये सब इंडोरी हैं, ये एंथूरियम है और ये मनी प्लांट है, ये सब सेकुलेंट की हैंगिंग है। और इंडोर में ना बहुत बहुत सारी वैरायटी है, हम लोग इतना इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं। खाली डालते तो पानी तुरंत नीचे आ जाता है। ओको को फिर डालो, ओको को मैं बताती हूँ, उसको उठा के फिर डालना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वीडियो तो सबकी लेनी है। हाँ, वो हाइड्रेंजिया की आगे हम दो मिनट तो उठ। आप कैसा ले रहे हो, फूल फूल का ले रहे हो? हाँ, अलग अलग ले रहा हूँ, फूल का भी ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हो दिस ट्रीज फॉर डेकोरेशन, ये कितने अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं। इसमें अलग अलग कलर के कलर्स भी आते हैं, ये घर डेकोरेट करने के लिए आप इंडोर भी यूज़ कर सकते हो या फिर गार्डन में लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आता है उससे। ये आप देख सकते हो उसी में एक अलग कलर का है, रबर प्लांट है ये देखिए, छोटे से पॉट में और इसमें वजन भी नहीं है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो। ये देखिए एकदम हल्के हमारे पेड़ सब। ये लाराटा फाइकस है, इसको भी इंडोर रख सकते हैं, इसको भी इंडोर रख सकते हैं सबको। और ये ड्रेसेना है सब, ये आरेलिया है, इनको सब
इंडोर कर रख सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं रखने के बाद में। और सब कोकोपीट में आपको ये मट्टी में मिलेंगे, लेकिन मेरे पास सब कोकोपीट में, और आप इनको कैसा भी कर सकते हो। देखिए इनकी जड़ें और सब कितना एकदम ये हैं। और ये भी अपने पास ऑर्किड है, ये पेंसिल पाम है, ये भी अच्छा लगता है बालकनी वगैरह में रखने के लिए। और ये सब जीजी प्लांट है, सिप्लेरा है, वेरीगेटेड सिप्लेरा है, सादा सिप्लेरा है, ये जीजी प्लांट है। और मतलब इंडोर के तो इतना पेड़ है ना कि मैं इसमें वीडियो में दिखा भी नहीं सकती हूँ। और इधर ये सब एंथूरियम वगैरह है, ये कलेथिया के वैरायटी बहुत सारे हैं, उधर भी रखे हैं। ये सब कलेथिया भी है, ये ड्राफ्ट पाम है, जीजी है वो भी ड्राफ्ट पाम है, पोनसिटिया है। ये इसको आप छोटा छोटा सा टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ये सब मैं खुद से छोटा छोटा बनाती हूँ ताकि आप किधर भी इनको यूज़ कर सकें। हेलो, अप्पल खपोली आता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में बस पेड़ ही पेड़ है। आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ मिल जाएंगे। आपको अगर घर डेकोरेट करना है, बालकनीज में कुछ लोग हैंग करते हैं, इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो, यहाँ पे आपको हर तरह के प्लांट्स मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स ट्री मिल जाएंगे आपको। इंडोर आउटडोर ट्रीज हुए, जैसे कि कोई घर के लिए यूज करता है तो कोई अपना गार्डन डेकोरेट करने के लिए यूज करता है, किसी के बड़े बंगलोज होते हैं या फिर कोई गार्डन होता है उसके लिए बहुत लोग बहुत तरीके के पेड़ यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे हर तरीके के पेड़ मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के छोटे बड़े पेड़ हर तरह के हैं, फिर वो चाहे डेकोरेशन के लिए हो या फिर लाइव ट्री हो। इधर से सामने से ले लो, फ्लोरेंड्रोन है इसको, ये अलग वैरायटी है थोड़ा, इसको तीन चार फूल आए हैं। ये येलो फ्लोरेंड्रोन है, फिर ये रेड वाला फ्लोरेंड्रोन है, ये भी एक अलग है, एक ये है, ये भी अलग है। और हम लोग वर्टिकल भी करके देते हैं सब। ये टर्टल वाइन है, इसको थोड़ा ठंडा चाहिए, देखिए ना कितना प्यारा लगता है। अभी गर्मी है इसलिए थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इसके बहुत प्यारे लगते हैं हैंगिंग। ये भी नीचे वाला भी है, और ये डर से ना है। ये सब एग्लोनिमा है, सब तरह का अपने पास फन है इसमें, ऊपर भी है, एंथूरियम है, ये सब कलेथिया की वैरायटी है ये सब। और ये सब इंडोर ही हैं ज़्यादा, आउटडोर ऑर्डर पे ज़्यादा मिलते हैं, इंडोर हमारे पास हैं बहुत वैरायटी है इंडोर की। और भी मोस्टेरा है अपने पास, अभी इसमें बड़े भी थे वो बड़े सेल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे मोस्टेरा हैं। और ये सब इंडोर ही हैं। इधर थोड़े से सेकुलेंट के हैं अभी थोड़े हैं, लेकिन और लाने वाले हैं। ये करसुला है, इतना बड़ा, ये देखिए कितना अच्छा है ये, इसमें एक वेरीगेटेड भी है करसुला।
ये करसुला भी, ये भी है, इसका बोनजाई बहुत प्यारा दिखता है। अभी मैं इनको सबको तैयार करने वाली हूँ। और ये सब सेकुलेंट है, छोटे छोटे बड़े प्यारे, इनको पानी नहीं लगता है ज़्यादा और ये बहुत सालों तक रह जाते हैं। ये कैक्टस की वैरायटी है, इसको भी छोटे छोटे फूल आते हैं वाइट कलर के। ये पेप्रोमिया है, नीचे पीलिया। और ये कलेथिया है, और ये वो है, ये हाइड्रेंजिया है ब्लू कलर का, लेकिन इस पे ना पहले येलो फूल आता है फिर ऐसा ब्लू होता है, लेकिन एक फूल दो ढाई तीन महीने रहता है कली से, और इसको 12 महीने फूल रहते हैं। और ये ने एक बड़े से पॉट में डाला है, और इसको थोड़ा सा ठंडा चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत पेड़ है, हमेशा फूल रहता है और ऐसा ऐसा सब हिलते रहता है ये। और इनको भी हमेशा फूल रहते हैं, ज़्यादा कुछ केयर नहीं है इनकी, और आउटडोर है ये, थोड़ा धूप से फूल आते हैं इसको। ये अपना लेपर्ड लिली है, हैंगिंग लेपर्ड लिली का हैंगिंग बनाया है वो, ये इस पर भी फूल आते हैं बारिश में, बहुत खूबसूरत लगता है। इधर आ जाइए। ये कलेथिया है, इसको इधर भी आप टिपॉय वगैरह पे रख सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो इसको। ये सब छोटे छोटे पॉट में लगाए हुए हैं ऐसा, अभी वो सेल हो गए हैं, अभी थोड़े ही बचे हुए हैं, अभी फिर से सब तैयार करना है। ये सिप्लेरा है ऐसा, ये फिलोडेंड्रोन है, ये मेरे पास फिलोडेंड्रोन की बहुत सारी वैरायटी हैं, सब अलग अलग हैं सब। देखिए ये इंडोर है और बहुत खूबसूरत पेड़ है ये, और ये भी फिलोडेंड्रोन है, ये देखिए इतना प्यारा है। इसमें बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं, और मतलब और 5-6 वैरायटी और है मेरे पास फिलोडेंड्रोन की। ये कलेथिया है, ये सब कोकोपीट में है, और सब कोकोपीट में है। ये एलोकेशिया है, एलोकेशिया, ये सब स्नेक प्लांट है सब। ड्रेसेना है, एडेनियम, ये अपना जेड प्लांट है। ये देखिए कैसे छोटे छोटे से पॉट में मैंने लगाए हुए हैं सब, और ये किधर भी अपन रख सकते हैं, इतने प्यारे दिखते हैं ये सब, बोनजाई जैसा ये सब। ये देखिए इसको किधर भी रख सकते हैं सब, ये सब मैं अपने हाथ से बनाई हुई हूँ। जी जी, ये थोड़े से बोनजाई है, एडेनियम है, और जत्रोपा है। हे गाइस, तो ये था हमारा नर्सरी विजिट, कैसे लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैम ने बताया वो प्लांट सेल भी करते हैं, और तो और वो घर को और गार्डन को कैसे डेकोरेट करना है, या फिर अगर आपका घर का प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रोड्यूस करना है, उसके इन्फॉर्मेशन भी मैम देते हैं। तो मैम का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, हमारा लिंक भी दूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you.